मैं हूं तपेश जैन और बड़ी अच्छी बात है कि अच्छी शख्सियतों से बात करना, अच्छे व्यक्तित्व से बात करना किसी भी मुद्दे को बहुत बेहतर बनाता है। आज मुझे मेरे मन में आया कि छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता के ऊपर में और उनसे बात करने के लिए 1986 से ही छात्र जीवन से राजनीति में शुरू हुए हैं और एक लंबा समय हो गया है। अभी देख सकते हैं कि आप 40 साल करीब का एक समय हो गया है। श्री प्रमोद दुबे जी हमारे साथ में है और वो अभी नगर निगम के सभापति हैं, इससे पहले मेयर भी रहे, एक लंबा समय है, सुलझे हुए नेता हैं, BJMC LLB पढ़े लिखे भी हैं और एक ऐसे जगह में रहते हैं ब्राह्मण पारा, जहाँ कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पत्रकारिता अगर कभी किसी एक मोहल्ले तक सीमित होती थी तो वो ब्राह्मण पारा हुआ करता था। कई सारे बड़े पत्रकार वहाँ से निकले हैं और एक परंपरा वहाँ से चली है। प्रमोद भाई आपका स्वागत है। क्या लगता है छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता को अगर एक शब्दों में या कुछ शब्दों में डिफाइन करें? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता अन्य पत्रकारिता से डिफरेंट है और अलग सोच, उसी का कारण है कि आज जो अन्य राज्यों से ज़्यादा जो ये स्टेट डेवलप कहीं किया है तो उसमें यहाँ के पत्रकारों का, यहाँ के फोटोग्राफर्स का और मीडिया जगत से जितने जुड़े हुए लोग हैं उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान इस शहर को बनाने में हुआ है। आप जब शुरू किए तो आप उस समय के फोटो पत्रकार, बहुत कम चर्चा होती है फोटो जर्नलिज्म की, फोटो पत्रकार को अगर मैं फोकस करना चाहूँगा तो क्या याद आता है? देखिए, फोटो पत्रकारिता में हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध फोटोग्राफर आदरणीय बसंत दीवान जी हुआ करते थे। उसके बाद हम लोगों ने फोटो फ्रेम में विनय जी या गोकुल सोनी जी या नरेंद्र बंगाली जी, ये वो लोग थे जिनके चित्रों को पूरे भारत के अन्य प्रांतों में भी देखा जाता था, कंपटीशन होते थे, उसमें उनका स्थान काफ़ी उच्च होता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि फोटो पत्रकारिता जिस स्टैंडर्ड का रायपुर शहर या छत्तीसगढ़ में हुआ करता था उस समय वो अग्रणी भूमिका निभाती थी पत्रकारिता और फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में। आपके जीवन में कभी याद आता हो कि ये फोटो, मतलब आप कभी रिकॉल करें कि ये फोटो मेरे लिए अद्भुत थी करके? दो चीज़ें मुझे ज़रूर याद आती हैं। एक तो कॉफ़ी हाउस हुआ करती थी पुराना नीलम होटल के पास, वहाँ आदरणीय बसंत दीवान जी रोज़ लिखते थे कॉफ़ी हाउस की दीवार से, तो वो कॉफ़ी हाउस की दीवार में क्या लिखा है आज सुविचार, उसको पढ़ने के लिए रोज़ सैकड़ों की संख्या में लोग जाते थे। दूसरा, इस शहर में आरक्षण आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उस समय मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, तो लगातार आरक्षण के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहे थे उसमें यहाँ के पत्रकारों ने और यहाँ के प्रेस फोटोग्राफरों ने महती अलग से भूमिका निभाई थी, जो पत्रकारिता से बिल्कुल अलग थी। वो इन चीज़ों का विरोध कर रहे थे कि एक देश एक कानून समान आचार संहिता की बात करते हैं हम, तो ये आरक्षण क्यों? तो वो दौर जरूर याद आता है कि हम लोगों को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सारी प्रकार की मदद उस समय हमारे यहाँ के फोटो पत्रकार और अन्य पत्रकारों ने किया था। इसके लिए मैं उनको अभिनंदन भी करता हूँ, उनको नमन भी करता हूँ। बहुत समय भी रहा अगर फोटो जर्नलिज्म के साथ में, अगर वैसे ही बात करें अपन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और प्रिंट मीडिया की, तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अलग अलग सवाल है कि क्या याद रहता है आपको? देखिए, प्रिंट मीडिया जो है वो दिल में प्रिंट करती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो डिजिटल टाइप निकल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी दोनों के अपने अपने जगह में बहुत महत्व है, लेकिन प्रिंट मीडिया जो है वो, उसको आज भी लोग सुबह 6 बजे 7 बजे उठने के बाद घर से बाहर निकल के पूछते हैं पेपर आ गया क्या, तो ये इस बात का परिचायक है कि कहीं ना कहीं हमको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक छाप छोड़ने वाली अगर पत्रकारिता की बात करें तो प्रिंट मीडिया आज भी अपना स्थान रखा हुआ है। और मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसे वाक्य भी हैं जिनको पढ़ने के बाद प्रशासन, शासन तंत्र भी एक्टिव होते हैं और उन पर कार्यवाही भी करते हैं, जहां गलतियां होती हैं उस पर कार्यवाहियां होना। कोई प्रकरण याद आता हो और पत्रकार भी ध्यान में आते हों?
नहीं, सैकड़ों प्रकरण हैं। अभी 3 दिन पहले की बात बताऊं, मैं एक जगह में पानी भरा था, हमारे विधायक विकास उपाध्याय जी नगर निगम में क्वेश्चन रेज किए थे, कल उसको पढ़ने के बाद कल एक हमारे जडेचो को सस्पेंड किया गया है। ये पत्रकारिता है और ये जागरूकता है। तो कार्य में लापरवाही, कार्य में सजगता, और किसी देश की दशा और दिशा, किसी प्रदेश की दशा और दिशा के लिए पत्रकार का होना और पत्रकारिता का होना दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग जैसे हैं। तो मैं तो भाई, कौन से पत्रकारों को अगर देखें, 86 से लेकर अब तक प्रिंट में बहुत सारे पत्रकारों से वास्ता पड़ा होगा, कोई याद आते हो उनका, कुछ याद आता है? देखिए, पहले तो ऐसा होता था कि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो उस समय कुछ ऐसी चीज़ें हो जाया करती थी, अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ जो होती थी, हम अनुशासनहीन कई बार हो जाते थे, तो एक कटिंग के आधार पर दिल्ली से हमको हटा दिया जाता था। मोहन राव जी, स्वर्गीय मोहन राव जी बड़े पत्रकार रहे और बहुत डाउन टू अर्थ पत्रकार रहे। ऐसे अगर हम बात करें तो आदरणीय रमेश नैयर जी, जो बड़े कलमकार हैं और जिनकी लेखनी को आज पूरे विश्व में, बल्कि भारत में बहुत आदर से लिया जाता है। स्वर्गीय बबन प्रसाद मिश्र जी रहे, जो पत्रकारिता में नवभारत पेपर निकलता था और फ्रंट पेज में किसी तेल वाले कंपनी ने अपना विज्ञापन छाप दिया था तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था कि किसी अखबार के फ्रंट पेज में तेल का विज्ञापन, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उन्होंने अपने मालिक से बात की और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे अखबार जिसमें लोग सुबह से इंतज़ार करते हैं समाचार के लिए, उसमें तेल का विज्ञापन अगर हो तो मैं नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिनको देख करके आज पत्रकारिता के मूल्य काफ़ी ऊंचाई पर थी और आज फिर अगर कहीं तेल का विज्ञापन हम लोग फ्रंट पेज में देखते हैं तो दर्द तो होता है जी। बाकी अपने अपने विधायक। प्रमोद भाई, बहुत ही एक असहज सा सवाल है, आपने भी राजनीति बहुत की है, कभी आपके खिलाफ समाचार छपा हो, क्या प्रतिक्रिया आपके मन में आई हो एक नेता की? बड़ा असहज है लेकिन सहजता के साथ में मुझे लगता है कि जवाब भी दे पाएंगे। नहीं, असहज नहीं है। देखिए, अच्छे कामों की तारीफ भी होनी चाहिए, कुछ जो गलतियां होती हैं उनकी आलोचना भी हम सबके लिए दर्पण का काम करती है, लेकिन पत्रकारिता में अच्छे कामों का कोई लेखा जोखा नहीं होता। उससे कहीं ना कहीं मॉरलिटी जो होती है या काम करने की जो क्षमता होती है, एक हमारे सामने भी एक पिक्चर बन जाता है कि चाहे कुछ भी कर लो ये तो वही छापेगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों हाथ से ताली बजती है। अगर कहीं हम कुछ अच्छे काम करते हैं तो उनको प्रमोट भी करना एक अच्छी पत्रकारिता और पॉजिटिव पत्रकारिता की निशानी हो सकती है। बाकी नेगेटिविटी पर तो दुनिया चल रही है, कोई नया काम तो है नहीं। तो एक मन मस्तिष्क को इन चीज़ों से हटा करके आपको भी किसी चीज़ को आइकॉन बनाना पड़ेगा कि अगर किसी ने कहीं नालंदा परिसर जैसी जगह बनी है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। उस नालंदा परिसर में अगर कुछ कमियां हैं तो वो जरूर जागृत होनी चाहिए, लेकिन वैसी चीज़ें अगर शहर में नहीं बनी या वैसी चीज़ों की अगर तारीफ नहीं हुई तो कहीं ना कहीं मन में एक विचार आते हैं। पत्रकारिता का अपना सोचने का नज़रिया होता है, मैं कोई सलाह नहीं दे सकता, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि अच्छे कामों को अगर कहीं आप लिखें तो दूसरे उसको काम करने की प्रेरणा लेते हैं। मैं प्रमोद भाई से बिल्कुल सहमत भी हूँ, और लेकिन इसके साथ में एक बात और भी जोड़ना चाहता हूँ। भगवान महावीर ने अनिकांत का एक बड़ी अच्छी थ्योरी दी है कि अलग अलग विचार हो सकते हैं, अच्छे काम हमेशा इतिहास में लिखे जाते हैं, अखबारों में भले नहीं लिखा गया हो लेकिन दिलों और दिमाग में जनता के और इतिहास में लिखा जाता है, कहीं ना कहीं उसका उल्लेख ज़रूर होता है। तो ये धारणा अपनी जगह में है और रहती है, अच्छी बात है। अपने मन की कोई बात लगती है? ये मुझे इस बात की खुशी है कि महापौर के रहते जिस दिन मैं इस शहर में महापौर बना, उसके दूसरे दिन हमारे प्राचार्य महोदय आदरणीय डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी जी महंत महाविद्यालय के हमारे गुरुवर भी हैं और मित्र भी हैं, तो ऐसे लोगों का एक टीम काम करने को मिला। 127वें नंबर पर रायपुर था, आज 7वें नंबर पर रायपुर है। तो एक महानगर की तर्ज पर जो आवश्यकताएं होती हैं शहर में कि सुबह 6 बजे से अगर गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये चीज़ें इस शहर में शुरुआत हुई हैं।
तो विसर्जन कुंड जैसी चीज़ें हैं, ऑक्सीजोन है और नालंदा परिसर है। ना जाने इस शहर ने कितने ऐसे आयाम दिए हैं जिसको आज अगर बाहर से लोग आते हैं, पहले हम दूसरे राज्यों में जाया करते थे कि उन राज्यों में क्या अच्छी चीज़ें हैं जिसको हम अपने शहर में लाएं। अभी खुशी की बात यह है कि दूसरे लगभग 15 से 20 राज्य के लोग इस शहर में आकर के हमारी उपलब्धियों को अपने शहर में अंकित करने लगे हैं। इससे बड़ा अचीवमेंट मैं नहीं मानता किसी चीज़ की हो सकती है। इसमें आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबकी ऊँची सोच, पॉजिटिव सोच, ये उस मकाम तक रायपुर को ला दिया कि अब प्रथम पायदान पर हमारा शहर बहुत जल्द होगा। ये माइलस्टोन निश्चित रूप से हौसला भी देता है, हिम्मत भी देता है और काम करने की प्रेरणा भी देता है। प्रमोद भैया, आपने बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में नवीन ठाकुर, अंटू भैया भी भैया, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।